हिमाचल के कांगड़ा में एक ठेकेदार को सड़क के निर्माण में देरी करना महंगा पड़ा है। सड़क के निर्माण में देरी पर ठेकेदार को 22,30,000 का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि कांगड़ा के इंदौरा के गांव बाई इंदौरिया से पराल सड़क मार्ग के निर्माण के लिए करीब 9 करोड़ रुपए का बजट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मंजूर करवाया हुआ था। फरवरी माह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा इसका शिलान्यास भी किया गया था व जून महीने में सड़क मार्ग को बनाने का कार्य पठानकोट के ठेकेदार को दिया गया, किंतु ठेकेदार द्वारा सड़क का कार्य शुरू करने के बाद कुछ दिनों में साइड में गड्ढे मारने के बाद कार्य को बंद कर दिया गया। सड़क मार्ग 6 महीने से हादसों का सबब बन रहा है, जिसके चलते ठेकेदार को जुर्माना लगाया गया है। इस बारे इंदौरा के अधिशाषी अभियंता अरुण विशिष्ट ने बताया कि तय समय में देरी करने के चलते ठेकेदार को 22,30,000 रुपए जुर्माना ठोका गया है। कांगड़ा से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। ये जो सड़क के लिए ये बाई दूरियाँ वाली सड़क बनी थी, ये डिले हो रहा है, तो क्या कारण है सर इसका? ये जो बाई दूरियाँ मंड में यानी पराल रोड है, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नंबर 2 में इसका निर्माण जो है वो प्रस्तावित भी है और निर्माणाधीन भी है। तो ये कुल 8,90,00,000 रुपये की लागत से इसका सड़क का निर्माण होना है। सर ठेकेदार ने जो साइड में बना, प्लीज़ जब ये जो काम है ये 2/6/2020 से, मतलब 2 जून 2020 से ये काम शुरू होना, हमारा काम जो हमें इनको वितरित किया है उसके हिसाब से 2/6/2020 को ये काम शुरू होना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से, COVID-19 की वजह से ये काम, लेबर की उपलब्धता ना होने की वजह से ये काम नहीं चल पाया और फिर बाद में ये काम शुरू हुआ। बीच में कुछ लेबर से संबंधित और कॉन्ट्रैक्टर के पूरी तरह से हमारे साथ कोऑपरेट ना करने की वजह से काम भी बंद रहा, तो उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्टर को लेटर्स वगैरह भी लिखे हैं इसके लिए, और जब कॉन्ट्रैक्टर ने उनके पत्रों के ऊपर भी कोई, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने काम में कोई और कोई उन्नति प्रगति नहीं दिखाई, तो हमने उसको 22,23,000 रुपये की उसको पेनल्टी भी लगा दी है। पेनल्टी लगने के बाद में अब वो उसने दोबारा अपनी लेबर वो काम पर ले आया है और काम अब दोबारा से सुचारू अभी शुरू। सर ये ठेकेदार का नाम क्या? बार बार ये पहले भी काफ़ी शिकायतें आती हैं इसकी, फिर भी ये बंदे को काम दे रहे हो आप और ठेकेदार? हमारे विभाग की जो कार्यप्रणाली है उसके हिसाब से हम जो हैं, हम बेसिकली हम एक एम्प्लॉयर होते हैं, हमने किसी को काम देना है और ये जो आगे कॉन्ट्रैक्टर हैं ये हमारे एम्प्लॉय हैं, ये इन्होंने काम करना है। हमारे पास जो भी कोई ठेकेदार आ जाए, हमने उससे काम लेना होता है, काम लेना है गुणवत्ता के आधार पर, काम के जो मानदंड हैं उसके हिसाब से हमने उससे काम लेना है, उसमें किसी के प्रति कोई भी लापरवाही हम नहीं करते। सर पहले भी इसके ऊपर काफ़ी बार ये जुर्माना वगैरह लगा या पेनल्टी लगी, फिर भी ये बार बार काम करता है, तो सरकार की, सर चाहे किसी का कोई भी कैसा भी इतिहास रहा हो, हमें तो उससे काम ठीक चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, और काम के प्रति कोई भी किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होता है, काम को सुचारू रूप से ही करना पड़ेगा। धन्यवाद जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.